दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक बहुत ही बेहतरीन टाइम लूप मूवी को, जिसमें तीन लोग एक ही टाइम लूप में फंस जाते हैं। वो रोज एक ही दिन को जी रहे थे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए एंड तक बने रहें। तो कहानी की शुरुआत में हम डॉक्टर किम को देखते हैं, जो कि एक बहुत ही फेमस चाइल्ड डॉक्टर है। इसीलिए एक एयर होस्टेस डॉक्टर के साथ फोटो खिंचवा रही थी। डॉक्टर के साथ उसका असिस्टेंट यंगसू भी काम करता है। थोड़ी देर के बाद उनका प्लेन लैंड होता है। तब डॉक्टर किम अपना मोबाइल निकालकर चेक करता है, जिस पर उसकी बेटी के बहुत सारे SMS आए होते हैं। उसके बाद हमें डॉक्टर किम की बेटी को दिखाया जाता है, जिसका नाम यून है और आज उसका बर्थडे है। वो अपने दोस्तों से अपने डैड के बारे में बातें करते हुए जा रही थी। वहीं यंगसू किम से पूछता है कि वो आज अपनी बेटी को क्या गिफ्ट देगा। तभी वहाँ पर एक बच्चे की तबीयत खराब होने लगती है। किम दौड़कर उसके पास जाता है। उस बच्चे के गले में कैंडी फंस गई थी, इसलिए वो बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था। डॉक्टर किम उस बच्चे की मदद करके उसे बचा लेते हैं। यहाँ मौजूद सभी लोग डॉक्टर के लिए तालियां बजाने लगते हैं। डॉक्टर किम दूसरे शहर से कोई बड़ा काम करके आ रहे थे, इसलिए यंगसू ने यहाँ पर मीडिया वालों को बुलाया था। डॉक्टर किम उन मीडिया वालों को इंटरव्यू देते हैं, जो उसकी बेटी टीवी पर देखती है। फिर किम अपनी बेटी को मैसेजेस करता है, जिसमें लिखा होता है कि उसने उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट लिए हैं, जिस पर यून बहुत खुश होती है। फिर किम अपनी बेटी से मिलने के लिए निकल जाता है। ये दोनों आज बहुत खुश थे। कुछ दूर जाने के बाद उसे टैक्सी का एक्सीडेंट दिखाई देता है, इसलिए किम अपनी गाड़ी को रोक कर वहाँ जाता है ताकि वो उस आदमी को बचा सके। उस टैक्सी में ड्राइवर और एक लेडी थी जो कि मर चुकी थी। तभी यहाँ पर एम्बुलेंस आ जाती है और ये अपनी बेटी से मिलने के लिए निकल जाता है। वो यून को कॉल करता है कि उसे आने में देरी हो जाएगी। दूसरी तरफ एक आदमी उस फोन को उठाता है और वो किम को बताता है कि उसकी लड़की का तो एक्सीडेंट हो गया है। थोड़ी दूर पर उसकी नजर पड़ती है, जहाँ पर भीड़ लगी होती है। ये वहाँ देखने के लिए जाता है तो वो वहाँ अपनी बेटी को मरा हुआ पाता है, जो कि इस एक्सीडेंट में मारी गई थी। इस टैक्सी से पहले इसकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ, फिर ड्राइवर और पैसेंजर दोनों भी मारे गए। ये देखकर किम को यकीन नहीं होता और यहीं पर हमें इस मूवी का इंट्रो दिखाया जाता है। उसके बाद सीन फिर से वहीं से शुरू होता है, जहां डॉक्टर किम को प्लेन में होश आता है। वो बहुत घबराए हुए थे। किम को ऐसा लगता है जैसे उसने कोई बुरा सपना देखा हो। तभी एयर होस्टेस आती है और वो किम के साथ फोटो खिंचवाती है। किम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो वहां से जाने लगता है और तभी उस बच्चे के गले में कैंडी फंस जाती है। किम दौड़कर उस बच्चे की मदद करता है। फिर यंगसू प्रेस को बुलाता है, लेकिन इस बार किम इंटरव्यू नहीं देते, क्योंकि किम अभी तक इस कंफ्यूजन में थे कि ये उनका सपना था या हकीकत। किम फिर से अपनी बेटी से मिलने के लिए निकल जाते हैं। इस बार भी रास्ते में वही सब कुछ हो रहा था जो पिछली बार हुआ था। किम गाड़ी को फुल स्पीड में चलाकर वहां पहुंच जाते हैं जहां एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन इस जगह पर फिर से एक्सीडेंट हो चुका था, जिसमें ड्राइवर और पैसेंजर के साथ इसकी बेटी भी मर गई थी। किम जब तक कुछ समझ पाता कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है, वो फिर से उसी प्लेन में आ जाता है और यहाँ पर फिर से वही सब कुछ होने लगता है जो पिछली बार हुआ था। किम इस बार समझ जाते हैं कि उनके साथ ये सब क्या हो रहा है। ये उनका कोई सपना नहीं है, बल्कि वो एक टाइम लूप में फंस गए हैं और ये बात सिर्फ किम को पता है। बाकी के लोगों के लिए ये सब कुछ पहली बार हो रहा है। यहाँ पर किम को सब कुछ पता था कि आगे क्या क्या होने वाला है, इसीलिए वो एक बार फिर से उसी जगह पर जाने के लिए निकल जाता है जहाँ पर एक्सीडेंट होने वाला था। लेकिन एक बार फिर से उसे पहुँचने में देरी हो जाती है और उसकी बेटी मारी जाती है। अगली बार जब किम दोबारा से जागता है, तो इस बार वो दूसरे रास्ते से उस जगह पर पहुँचने की कोशिश करता है। कई बार कोशिश करने के बाद वो उस जगह पर एक्सीडेंट के होने से पहले पहुँच जाता है, लेकिन इसके सामने ही वो टैक्सी एक बार फिर से उसकी बेटी को उड़ा देती है। इस बार वो फिर से अपनी बेटी को नहीं बचा पाता। इस बार किम अपनी बेटी के पास नहीं जाता है, बल्कि उस टैक्सी ड्राइवर के पास जाता है और उससे पूछने की कोशिश करता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन तब तक वो ड्राइवर भी मर जाता है। फिर किम उसकी टैक्सी का नंबर और मोबाइल नंबर नोट कर लेता है, जिससे अगली बार जब वो जागे तो उस टैक्सी ड्राइवर को वहाँ जाने से रोक सके। और जब अगली बार किम जागता है तो उस ड्राइवर को फोन करता है, लेकिन वो ड्राइवर उसकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा था। इस बार जब किम उस जगह पर पहुंचता है, तो इस बार वहां पर कुछ अलग सा होता है। इस बार एक आदमी आकर किम से झगड़ने लगता है और पूछता है कि तुम कौन हो और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। मैं बार बार एक ही दिन को जी रहा हूँ, हर दिन सब कुछ अलग सा होता है, लेकिन सिर्फ तुम ही हो जो अलग अलग जगहों पर मिलते हो।
इस आदमी का नाम ली है। अब आगे का सीन हमें ली के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है। ली भी सेम किम की ही तरह इस टाइम लूप में फंस चुका था। ली भी बार बार अपनी बीवी को बचाने की कोशिश कर रहा था जो कि उस टैक्सी में पैसेंजर थी, लेकिन हर बार ये भी किम की तरह फेल हो जाता है। अब ये दोनों फैसला करते हैं कि अगली बार ये दोनों मिलकर इस एक्सीडेंट को होने से पहले रोकने की कोशिश करेंगे। अगले दिन ये दोनों आपस में मिलते हैं और प्लान बनाते हैं। ये उस टैक्सी ड्राइवर को रोकेंगे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी वो ड्राइवर उनकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा था और ली की वाइफ भी फोन नहीं उठा रही थी क्योंकि वो ली से नाराज थी। अगली बार किम मीडिया की मदद से अपनी बेटी को पार्क में मिलने के लिए बुलाता है जो कि उसकी बेटी टीवी पर देख लेती है। दूसरी तरफ ली अपने आप को जख्मी करके पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और वो उस टैक्सी ड्राइवर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाता है कि उस टैक्सी ड्राइवर ने उसे बहुत मारा है और उसकी वाइफ को लेकर भाग गया है। तभी इस टाइम लूप के खत्म होने का समय हो जाता है, लेकिन इस बार कोई एक्सीडेंट नहीं होता। फिर किम और ली आपस में बात करते हैं। ये दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि इनका प्लान काम जो कर गया था। फिर किम अपनी बेटी से मिलने के लिए पार्क में जाता है। दूसरी तरफ पुलिस वाले उस टैक्सी वाले को पकड़ लेते हैं। तभी वो टैक्सी वाला वहाँ से भागने लगता है। इधर किम को उस टैक्सी वाले का फोन आता है जो किम से कहता है कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन अपनी बेटी को नहीं बचा सकते। मैंने टीवी पर तुम्हारा मैसेज सुन लिया है, मैं जानता हूँ कि अभी तुम्हारी बेटी कहाँ है। किम पार्क में अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। तभी वो टैक्सी वहाँ पहुँच जाती है और इससे पहले कि किम अपनी बेटी के पास पहुँचता वो टैक्सी फिर से उसका एक्सीडेंट कर देती है। इसका मतलब ये टैक्सी वाला जानबूझकर वो एक्सीडेंट कर रहा था। अगली बार किम और ली आपस में बात करके उस टैक्सी ड्राइवर का पता लगाते हैं और जो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिलती है वो जानकर तो उनके होश ही उड़ जाते हैं। दरअसल आज से 3 साल पहले ली अपनी कार से कहीं जा रहा था, तभी अचानक सामने से गाड़ी आती है और उस गाड़ी वाले का ली को बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट हो जाता है। ली उनको बचाने के लिए आता है। उस गाड़ी में 3 लोग थे जो बहुत बुरी हालत में थे। ये देखकर ली वहाँ से भाग जाता है, मगर कुछ दूर जाने के बाद ली को अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए वो दोबारा से वहाँ वापस आता है। ली तीनों को हॉस्पिटल में लेकर जाता है और इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर किम थे। ली इन तीनों को हॉस्पिटल में ही छोड़कर भाग जाता है। इधर डॉक्टर किम को अलग ही किस्म की परेशानी थी। उनकी बेटी के दिल की बाईपास सर्जरी होने वाली थी और इसी टाइम ये एक्सीडेंट का केस आ गया था। इस कार एक्सीडेंट में ड्राइवर और उसका बच्चा बहुत बुरी हालत में थे और उसकी वाइफ तो मर चुकी थी। किम को अपनी बेटी के लिए एक दूसरा दिल चाहिए था, इसलिए वो ये फैसला करता है कि वो इस बच्ची का दिल निकाल कर उसे अपनी बेटी को देकर उसे बचा लेगा। किम ये बात किसी को बिना बताए कर भी देता है और वो ड्राइवर अभी तक कोमा में ही था। अब ली और किम को अपनी गलती का एहसास होता है और उन्हें ये भी पता चलता है कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। अब इस कहानी को ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है। जब इस ड्राइवर को पता चलता है कि इसकी बीवी और बच्चे की मौत के जिम्मेदार ली और किम है, तब वो ये फैसला करता है कि वो उन दोनों की फैमिली को मारकर अपना बदला लेगा और खुद भी मर जाएगा। वो अपनी बीवी और बच्चे की मौत का दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो सबसे पहले ली की बीवी को पकड़ता है और किम की बेटी का एक्सीडेंट करके खुद भी मर जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये भी उन लोगों की तरह टाइम लूप में फंस जाता है और बार बार एक ही दिन को जीने लगता है। यहाँ पर इन तीनों का दर्द एक दूसरे से कम नहीं था। उसके बाद ली और किम उस ड्राइवर से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि जो सजा देनी है वो हमें दो, हमारी फैमिली को छोड़ दो, उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन ये ड्राइवर नहीं मानता और वो बार बार उनकी फैमिली को मार देता था और कहता था कि तुम्हारी यही सजा है। यहाँ पर किम को पता चलता है कि जैसे ही ड्राइवर मरता है ये टाइम लूप स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए वो ये सोचता है कि अगली बार वो इस ड्राइवर को मरने नहीं देगा। दूसरी तरफ ली ये सोचता है कि वो इस ड्राइवर को वहाँ जाने से पहले ही मार देगा और अपनी वाइफ को बचा लेगा। इसीलिए ली किसी भी तरह करके उस ड्राइवर को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। दूसरी तरफ किम ली को फोन करके उसे ये बात बताना चाहता था, लेकिन यहाँ ये दोनों आपस में ही लड़ रहे थे। किम वापस से उस जगह पर पहुँचता है और किसी तरह करके इस बार वो अपनी बेटी को बचा लेता है, मगर ये ड्राइवर पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। किम उसे बचाने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पर ली आ जाता है और इस ड्राइवर को मारने की कोशिश करता है। किम उसे रोकने की कोशिश करता है, तभी गलती से चाकू किम को लग जाता है और किम कहता है कि सब कुछ मेरी ही गलती थी, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और अगर ड्राइवर मर गया तो ये टाइम लूप फिर से स्टार्ट हो जाएगा।
इसलिए तुम उसे मत मारो। ये सारी बातें ड्राइवर सुन रहा था, इसलिए उसे इन दोनों पर तरस आ जाता है। इसीलिए ये किम की बेटी के पास जाता है। तभी उस गाड़ी में तेल के लीक होने की वजह से ब्लास्ट हो जाता है और ये दिन फिर से शुरू हो जाता है, मगर इस बार कुछ अलग सा होता है। डॉक्टर किम उस बच्चे से वो कैंडी लेकर उसे एक चॉकलेट देते हैं और ली अपनी बीवी से माफी मांगता है। और इस तरह ये ड्राइवर किम की बेटी के पास आता है और उससे बहुत सारी बातें करता है, क्योंकि इस ड्राइवर को अपनी गलती का एहसास हो गया था। इस मूवी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर किम ने मीडिया के सामने अपने गुनाहों को कबूल कर लिया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।